हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र रहने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है आपका, तो यहाँ पर आंसर लगेंगे हिंद महासागर, है ना? तो आपको हिंद महासागर आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक यहाँ पर आंसर रहेगा, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 18 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, आंसर याद रखेंगे। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो यहाँ पे आंसर रखेंगे। जैसे हमारी भारत की मुद्रा रुपया है, ऐसे ही जर्मनी की मुद्रा यूरो है ना? देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, तो यह अब्राहम लिंकन का उदाहरण है, इन्होंने इसे दिया था, आगे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध है? तो गेहूं एवं चावल के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध होता है, आंसर याद रखेंगे, गेहूं एवं उत्पादन के संबंध है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, खालिस्तान को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, आंसर याद रखना है आपको, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद खालिस्तान, कॉल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना करी थी, तो दास कैपिटल है ना, कैपिटल दास, कैपिटल दास, कैपिटल दास पहले, कैपिटल बाद में, इस प्रकार से आप लिखेंगे दास कैपिटल। अगला है, भारत में वोट डालने की उम्र किसको नहीं पता है? तो यहाँ पे 18 वर्ष आप आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर, 29 आंसर आएगा। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, तो कीमतें खाद्य की कमी के कारण बढ़ती हैं, खाद आंसर लगाएंगे आप यहाँ पे, खाद दिया। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1949 को यहाँ पे बैठक हुई थी, है ना, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे आप, एक एक नहीं बल्कि यहाँ पे 9 दिसंबर आंसर रहेगा आपका। देखिए यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, 9 दिसंबर 1949 है ना, 9 दिसंबर 1949। आगे हम सही जोड़ियां देखेंगे, फूलों की बौछार कहवा से इसका जोड़ी मिल जाएगी। और अगला है चावल द्वीप, तो यहाँ पर जावा है आपका। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे सन 1951-1952 में हुए थे, बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ रही है, और देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है, इस प्रकार से आप इनके आंसर याद रखेंगे। और सभी के आंसर आपको बिल्कुल HTs मिलते जा रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे आप देख पा रहे होंगे सत्य असत्य का चयन कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, सत्य असत्य का चयन कीजिए, 6 अंक ये रहेंगे। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो यहाँ सत्य हो जाएगा, क्योंकि लू जो है शीतकाल में नहीं बल्कि ग्रीष्मकाल में चलती हैं। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ निकल लोकतांत्रिक असत्य था, असत्य हो जाएगा। मक्का व्यापारिक फसल है, असत्य हो जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से आप इनको सभी के आंसर बिल्कुल याद रखेंगे। उत्तर लिखिए, आपके क्वेश्चन है 6 अंक रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? स्थलीय सीमा से जो जुड़ रहे हैं भारत से, 7 आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको यहाँ पे ना। अगला है, ये गुफाओं का क्या था? तो ये गुफाओं का जो है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नापसी युवा संगठन बनाया गया था, उसे ये गुफाओं कहा गया था। क्या, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसे लिख लेंगे आप, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पे नापसी युवा नामक संगठन बनाया गया था, उसे युगफों कहा गया था, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका यही, है ना। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का नाम, एक गैर कृषि क्रिया का नाम, यहाँ पे दुकानदारी आप आंसर लिख देंगे, दुकानदारी आंसर लिख देंगे, क्योंकि दुकानदारी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वो गैर कृषि क्रिया हो जाती है, यहाँ पे आंसर दुकानदारी आप लिख देंगे थर्ड वाले का। अगला है आपका, रवि और खरीफ की फसलों के मुख्य साधनों की बात कर रहा है, तो रवि की फसल के मुख्य साधन क्या है? गेहूं, सरसों, जो मटर, राई है, और खरीफ की उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, ETC, इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला है आपका, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सन 2000 में आपकी अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ करी गई थी, सन 2000 आप आंसर लिख देंगे। और पूरी यदि सन तारीख लिखना चाहें तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल सन 2000 आप आंसर लिख देंगे, जिस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो हमारी इंडिया में लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, सांसद आंसर लिखेंगे आप, लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, इसके अथवा में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रह गए हैं,
तो जल्दी ही यहाँ पे हम अगला वीडियो लाएंगे, और एक वीडियो तो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुका है जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो जाकर के जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।